हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर रक्षा भट्ट। तो लेट अस कंटिन्यू चैप्टर नंबर 1 एंड टॉपिक ऑफ द डे इज हाउ डज मेंडल्स वर्क वाज डिस्कवर्ड। ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाई मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। कभी मेंडल का काम रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुआ, क्यों वर्ल्ड वाइड पब्लिश नहीं हुआ, तो उसके अलग अलग रीजन थे। समझ में आया? बिकॉज एट दैट टाइम कम्युनिकेशन वॉज वेरी डिफिकल्ट। समझ में आया कि भाई मेंडल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था जीन का, उसको उसके कंटेम्पररीज ने एक्सेप्ट नहीं किया था। मेंडल यूज स्टेटिस्टिकल मेथड विच इज टोटली न्यू। समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके। एंड मेंडल फेल टू गिव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ रिगार्डिंग जीन्स के भाई जीन की प्रेजेंस के बारे में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने में वो बेचारा फेल हो गया था। कौन? मेंडल। इसलिए उसका काम रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। क्लियर? मेंडल ने बेचारे ने बहुत हार्डवर्क कर किया था, लेकिन किसी ने उसका हार्डवर्क ध्यान में नहीं दिया। फिर मेंडल की डेथ हो गई। मेंडल की डेथ के बाद कौन से ईयर में? ट्वेंटी सेंचुरी की स्टार्टिंग। ओके, कि भाई इन 1900 थ्री साइंटिस्ट वेर डिस्कवर्ड मेंडल्स फॉरगॉटन वर्क। ओके, ये तीन महान साइंटिस्ट कौन थे भाई? फर्स्ट डी व्रीज, सेकेंड कोरेंस एंड थर्ड वॉन शेरमार्क। ओके बेटा, कि इन 1900 दिस थ्री साइंटिस्ट नाम है, लर्न कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। फर्स्ट कौन सा है? डी व्रीज, सेकेंड कोरेंस, थर्ड वॉन शेरमार्क। क्लियर? चलो रिपीट करो, बोलो तो साइंटिस्ट के नाम। डी व्रीज, सेकेंड कोरेंस, थर्ड शेरमार्क। ओके, तो भी दिस थ्री साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन इनहेरिटेंस। तो भी मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, वॉट एवर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल, सच एज मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म बाय दिस थ्री साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली। तीनों ने अलग अलग वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जो मेंडल ने किए थे। रिजल्ट सेम टू सेम मिला। सरप्राइज कि भाई दिस थ्री साइंटिस्ट गेट द सिमिलर रिजल्ट लाइक मेंडल्स वर्क। समझ में आया? मेंडल का मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट क्या था बेटा? 3:1। डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था? याद करो, 9:2, 3:2, 3:1। अब तो याद रहना ही चाहिए। ओके, कि भाई मेंडल का मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट फिनोटिपिक रेशियो 3:1, 3 tall plant, 1 dwarf plant। क्लियर? डाईहाइब्रिड का रिजल्ट 9:2, 3:2, 3:1। समझ में आया? क्लियर? तो भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट, सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय दिस थ्री साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली। सबने मिलके नहीं किए कि उसने सारे मेंडल के एक्सपेरिमेंट किए अलग से, इसने भी अलग से लिए और उसने भी अलग से किए। सरप्राइजिंग, ऑल गेट सिमिलर रिजल्ट लाइक मेंडल। समझ में आया? सबका रिजल्ट एक्सपेरिमेंट का सेम आया, मेंडल के जैसा ही आया। तब पता चला कि बेचारा मेंडल कैसा था, ही वॉज द राइट पर्सन। समझ में आया? उसने जो भी वर्क किया है एकदम परफेक्ट किया था, लेकिन अफसोस तब तक उसकी डेथ हो गई थी। समझ में आया? कि जब तक मेंडल जिंदा था तब तक उसको कोई क्रेडिट नहीं मिला। समझ में आया बेटा? उसके डेथ के बाद कौन से ईयर में क्रेडिट मिला? 1900 में। किसने दिलाया क्रेडिट? थ्री ग्रेट साइंटिस्ट, नाम क्या है? डी व्रीज, कोरेंस एंड शेरमार्क। क्लियर बेटा? ओके, चलो उसके बाद क्या हुआ कि भाई माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और लेटेस्ट फॉर्म के माइक्रोस्कोप डिस्कवर होते ही गए। ओके, सो ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी कि भाई माइक्रोस्कोप में अलग अलग डेवलपमेंट हुए, एडवांसमेंट हुआ। नाउ इट वाज इजी टू ऑब्जर्व सेल डिवीजन। तो भाई जैसे जैसे माइक्रोस्कोप देखा तो सारे साइंटिस्ट धीरे धीरे क्या देखने लगे, बायोलॉजिस्ट, कि भाई माइक्रोस्कोप के अंदर में सेल देखने लगे, तो परफेक्टली सेल देखा। ओके, सेल के अंदर क्या देखा? दूसरा न्यूक्लियस देखा। ओके, फिर देखा कि भाई वन सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सेल। उसने देखा भाई एक सेल का डिवीजन हो रहा है, टू सेल बन रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन। बाद में देखा
पहले किसका डिवीजन हो रहा है? न्यूक्लियस का, कि भी सेल के अंदर ओके एक सेल डिवाइड होता था और उसको उसके अंदर ऐसा दिखा। तो पहले यार सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और ये किसका डिवीजन हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन। ओके कि भाई न्यूक्लियस का डिवीजन देखा। ओके समझ में आया। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो एनलार्ज करके क्या देखा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई? क्रोमोसोम। ओके वन सेल हैविंग 46 क्रोमोसोम। वन सेल के पास कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम। ओके इफ दैट सेल इज नॉर्मल देन दे आर हैविंग 46 क्रोमोसोम। इफ दैट सेल सपोज टू डिवाइड तो वो क्या करेगा कि भाई 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस बनाएगा उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम एंड स्लोली दे डिवाइड न्यूक्लियस फर्स्ट। ओके आफ्टर डिवाइडिंग न्यूक्लियस दे डिवाइड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को भी ऐसे डिवाइड कर देगा। अब दोनों के पास कितने क्रोमोसोम है बेटा? 46। ओके ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, फिर माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ। ओके न्यू टेक्निक फॉर्म हुई। इट वॉज इजी टू ऑब्जर्व सेल डिवीजन, कि भाई सेल का डिवीजन कैसा होता है वो ऑब्जर्व करना इजी बन गया। फिर सेल के मिडल में देखा कि भाई ये डार्क कलर क्या दिखता है मिडल में, तो इट इज न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस के अंदर उसको क्या देखे भाई? क्रोमोसोम देखे कि भाई न्यूक्लियस के अंदर कोई मटेरियल है, थ्रेड लाइक मटेरियल। ओके और वो डिवाइड हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो वो सेपरेटिंग मटेरियल क्या था? दैट सेपरेटिंग मटेरियल वॉज नथिंग बट इट इज क्रोमोसोम। ओके कि जो मटेरियल सेपरेट हो रहा था वो क्या था बेटा? क्रोमोसोम। क्लियर? तो ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दिस थ्री सेल डिवीजन न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। ओके नाउ क्लियरली सीन, समझ में आया उसको हम परफेक्टली देख सके। क्लियर बेटा? ओके मियोसिस कौन से ईयर में देखा? ये भी नीट का क्वेश्चन कि भाई इन 1902 ईयर याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर याद रखने हैं कि भाई इन 1902 क्रोमोसोमल मूवमेंट वाज सीन ड्यूरिंग मियोसिस, कि भाई ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तो भाई सेल डिवीजन होता है तो भाई हाफ ऑफ क्रोमोसोम मूव्स इन वन डॉटर सेल एंड हाफ ऑफ क्रोमोसोम मूव्स इन अदर डॉटर सेल। समझ में आया? क्लियर? ओके फिर मियोसिस कब होता है बोलो मुझे, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया है। व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस कब होता है बोलो? व्हेन मियोसिस टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी, मियोसिस अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। समझ में आया? दिस इज अवर सेल व्हिच हैविंग 46 क्रोमोसोम, दिस इज अवर डिप्लॉयड सेल, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। Why we are diploid organism? Because each and every cell having 46 chromosome. हमारे हर एक सेल के पास कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम। खाली इन मेल स्पर्म, मेल के अंदर स्पर्म होता है ना, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, whereas in case of female, ovum having only 23 क्रोमोसोम। समझ में आया? बाकी बॉडी के each and every cell having 46 क्रोमोसोम। समझ में आया? क्लियर? ओनली ओवम एंड स्पर्म दे आर हैविंग 23 क्रोमोसोम। क्लियर? तो भाई देखो कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, कि जब गैमेट फॉर्म होता है, सेक्स सेल्स फॉर्म होते हैं, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट, ओवम, स्पर्म फॉर्म होते हैं, तब कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। एंड इन मियोसिस, इन मियोटिक डिवीजन, व्हाट एवर सेल्स आर फॉर्म, they are having half number of क्रोमोसोम। ओके सपोज इसमें से गैमेट बने और गैमेट्स के अंदर कितने क्रोमोसोम हो गए? 23। ओके 46 तो डिप्लॉयड 2n, तो 23 मीन्स सिंगल n, हैप्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। रीजन क्या? बिकॉज गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस? मियोसिस। एंड मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन।
रिड्यूस होते हैं। क्या रिड्यूस होते हैं बेटा? क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं। नॉर्मल सेल हैविंग 46 क्रोमोसोम, वेयर एज गैमेट्स हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 इन ईच। समझ में आया? रीजन क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो बेटा, बिकॉज गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस नोन एज मियोसिस। क्लियर? एंड मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं। कौन कम होता है? ये क्रोमोसोम कम होते हैं। ओके, नॉर्मल सेल के अंदर 46 गैमेट्स, स्पर्म ओवम के अंदर कितने होते हैं? हाफ। यहाँ 46 हो गए तो 23, सपोज यहाँ किसी के 60 हो गए तो यहाँ 30। क्लियर है इतना? ओके बेटा, चलो। तो भाई 1902 क्रोमोसोमल मूवमेंट वॉज सीन ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के बारे में पता चला इन अवर बॉडी। मियोसिस ओनली अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ओवम प्रोडक्शन होता है, तब ही हमारी बॉडी के अंदर मियोसिस होता है। समझ में आया? क्लियर? व्हेन वी बॉर्न आवर साइज इज लाइक दिस। जब हम जन्मे थे तब हम इतने इतने छोटे से थे, हमारा बॉडी इतना ही था, है ना बेटा? अभी देखो आप सबका बॉडी, मेरा, कितने बड़े हो गए। क्लियर? तो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस। ओके, कि भाई हमारी ग्रोथ कैसे होती है? कि सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं सेल डिवीजन के थ्रू। ओके, और वो सेल डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस। कौन सा होता है? माइटोसिस। क्लियर? माइटोसिस में क्या होता है? वन सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सेल एंड ऑल द सेल हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सपोज जो फर्स्ट सेल था मदर सेल, उसके पास 46 क्रोमोसोम है, तो उसमें से टू डॉटर सेल बने, बोथ हैविंग 46 क्रोमोसोम। समझ में आया बेटा? दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस। समझ में आया? माइटोसिस में क्या होता है? इट इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल इक्वल इक्वल, क्रोमोसोम इक्वल होते हैं पैरेंट सेल के अंदर भी, डॉटर सेल के अंदर भी। एंड मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। पैरेंट सेल से उसके डॉटर सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बेटा। क्लियर इतना? वेरी गुड। चलो उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, नीट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है भाई? वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, कौन से साइंटिस्ट है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी क्या किया उसने? दे नोटेड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। तो भाई ये वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी ने क्या नोट किया? तो उसने ऐसा नोट किया कि भाई ये क्रोमोसोम का बिहेवियर और जीन का बिहेवियर, ओके, मेंडल ने जिसको एलेल बोला था, ओके, जिसको आज हम जीन बोलते हैं, दोनों का बिहेवियर कैसा है? पैरेलल है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लियर? देख लेते हैं सेकेंड टाइम कि वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स, के दोनों के बिहेवियर से नियर बाय सेम आते हैं, है ना बेटा? क्लियर? फिर ये दोनों ने क्या किया कि क्रोमोसोम का नॉलेज प्लस मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसका नॉलेज मिक्स कर दिया और एक थियोरी दे दी। समझ में आया? दैट थियोरी नाउडेज नोन एज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सी थियरी बोलते हैं भाई? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दी थी ये थियरी? वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लॉक कर दो भाई, एकदम लॉक किया जाने वाला क्वेश्चन है भाई ये। ओके, ये भाई वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी दे यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन मीन सेपरेशन। हमें पता है, क्या पता है कि भाई आ जाओ यहाँ पे, दिस इज द सेल हैविंग 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। ओके, उसमें से गैमेट बने, ऑल द गैमेट हैविंग 23 क्रोमोसोम इन ईच। सारे गैमेट के पास कितने क्रोमोसोम हैं? 23 क्रोमोसोम। बिकॉज डिवीजन कौन सा था? मियोसिस था। कौन सा डिवीजन था भाई? मियोसिस था। ओके, क्लियर इतना?
अब मेंडल का याद करो, मेंडल का याद करो कि भाई मेंडल में सपोज ये जीनोटाइप थे, व्हेन गैमेट्स आर फॉर्मड वन गैमेट हैविंग ओनली कैपिटल टी, अदर गैमेट हैविंग स्मॉल टी. ओके, यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, 46 क्रोमोसोम सेपरेट होके 23 23 23 23 23, और यहाँ पे जीन्स सेपरेट हुए कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन देयर इज अ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, सेग्रीगेट मींस टू सेपरेट. कि भाई जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो भाई स्पर्म ओवम के अंदर क्रोमोसोम हाफ हाफ आ जाती है. सेम मेंडल ने भी क्या किया था उसके एक्सपेरिमेंट में, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में, F1 जनरेशन में कौन सा प्लांट फॉर्म हुआ, द प्लांट विच हैविंग जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी. तो उसमें से जो गैमेट बनते हैं, हाफ ऑफ द गैमेट हैविंग ओनली कैपिटल टी, वेयर इज हाफ ऑफ द गैमेट हैविंग ओनली स्मॉल टी. समझ में आया, क्लियर? ओके, ये पैर में थे जीन, वो भी अलग हो गए. 23 पैर ऑफ क्रोमोसोम थे, 46, 23 पैर मींस 46, तो वो भी सेपरेट हो गए, गैमेट बना दिया. ओके, तो दोनों का नॉलेज मेंडल ने फ्यूज कर दिया. मेंडल का नॉलेज ओके और क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन का नॉलेज किसने फ्यूज किया, सटन एंड बोवरी ने, और एक जोरदार थियोरी दे दी, एंड दैट थियोरी नाउडेज नोन एज क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. थियोरी का नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्लियर बेटा? ओके, क्योंकि सटन एंड बोवरी यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडल, मेंडेलियन प्रिंसिपल, एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. ओके बेटा, वे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था ये, इसमें से बहुत बार नीट में MCQs आए हैं, तो उसको परफेक्टली लर्न करना. ओके, दिस इज MCQ बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट थियोरी बेटा. ओके, बहुत सारे MCQs में से निकलते हैं, तो आपको परफेक्टली लर्न करना है बेटा इसको. ओके बेटा, थैंक यू.